आज यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, बलात्कारियों पर कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, जनता का विश्वास कानून से उठता जा रहा है। हम लोग सरकार से, प्रशासन से, शासन से ये मांग करते हैं कि बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या जैसे गंभीर मामले के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें 3 महीने के अंदर आरोपी पकड़ा जाए, उसका ट्रायल हो, सजा सुनाई जाए और उसको सजा दे दी जाए। हम सबकी ये मांग है, हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से उन्नाव में कल एक बलात्कार पीड़िता के साथ 5 गुंडों ने और जिस तरीके से गुंडों ने बलात्कार पीड़िता को दिन के उजाले में पेट्रोल डालकर जलाया है, हम चाहते हैं कि सरकार उन पर जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले से उन पर कार्रवाई करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। ऐसा कानून बनना चाहिए, ये मिसाल है कि सिर्फ दिखावा है, सरकार कुछ करती नहीं है। इसके लिए बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। उन्नाव कांड उसका कदे जीता जागता मिसाल है। आज पुलिस ने जो किया वो कोर्ट न्याय करेगा, पुलिस ने गलत किया सही किया, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है बहन बेटियों के खिलाफ, सरकार आंख बंद करके तमाशा देख रही है। इसका आज हम लोग यहाँ पे जमा होके नागरिक शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं इसका, और सरकार अपनी आंख खोले। हम आज अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था मजबूत होती, आज अगर हमारे देश की जनता को न्याय पर भरोसा होता, तो जिस तरीके से हैदराबाद में बलात्कार के आरोपी, मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर करना पड़ा है, मैं समझता हूँ कि ये एनकाउंटर की जरूरत नहीं पड़ती और न देश में इतना आक्रोश पैदा होता, क्योंकि हमारा कानून कमजोर है, हमारे नेता कमजोर है, हमारे नेताओं की ये हैसियत नहीं है कि वो सख्त कानून बनाकर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। इसलिए आज पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा है, ये एनकाउंटर अच्छी चीज नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, इस योगी सरकार ने अब तक 3000 एनकाउंटर किया है, मगर न तो वहाँ बलात्कार रुका है, न वो हत्या रुकी है, न वो डाके रुका है। ये सारी चीजें रुक सकती है अगर एक अच्छा और मजबूत कानून बनाया जाए। हमारी यही मांग है कि एक अच्छा कानून होना चाहिए और उस कानून का इम्प्लीमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि जनता को अपने कानून पर, अपनी सरकार पर विश्वास हो। देश में जो बर्बरियत, जिस तरीके से देश की बेटियां असुरक्षित है, हम उसके लिए एक मेमोरेंडम बनाएंगे और पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक अपनी बातों को ले जाएंगे और उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऐसा कानून बनाइए और उस कानून पे अमल करिए कि देश की जनता को कानून पर विश्वास हो सके और ऐसी घटनाओं के बाद देश की जनता को रोड पर उतरने की नौबत न आए। रोड साइड में चलो रास्ता चलो।